तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वॉक साइकिल करेक्टर की एनिमेशन। और लेट सपोज मैंने ये तीन एसेट्स उठा लिए, प्री मेड एसेट्स जो है, फ्री पिक्सल उठा लिए। ये कोई भी एक मैं करेक्टर जो है उसको मैं एनिमेट कर लेता हूँ, कोई भी एक्सप्रेशन ले सकता हूँ मैं। लेट सपोज मैंने एक ये वॉक ले फ्रंट का करेक्टर ले लिया, तो मैं इसका एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। ओके, मैंने इसका एक नेम दे दिया, करेक्टर फ्रंट। अब लेट सपोज कोई मेरा एक सीन आता है जिसके अंदर कोई बंदा जो है या कोई शेफ जो है वो लेके हाथ में खड़ा हुआ है, ठीक है। सो मैं इस पूरे करेक्टर को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, एंड कंट्रोल शिफ्ट वी, बैकग्राउंड भी साथ आ गया, इसको रिमूव कर देता हूँ मैं। ये कुछ भी नहीं है, सेफ मार्जिन का खाली कुछ भी नहीं है, आपका समझ लो आर्ट वर्क ही है। मैंने फिल्म एंड टीवी सेलेक्ट किया हुआ खाली, समझ लो। तो सबसे पहले हम लोगों का एक करेक्टर यहाँ पर रखा हुआ है, तो सबसे पहले हम इसको डीलेयर कर देंगे, हमेशा डीलेयर करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको सेव कर लूँगा, कहाँ पर ले जाके, या सेव एस कर लूँगा जहाँ पे मैं इसको काम कर रहा हूँ अपना। तो मैं इसको करेक्टर एनिमेशन वॉक साइकिल, वॉक साइकिल में ए ही में काम कर रहा हूँ मैं, ए ही के अंदर एसेट्स में आके मैंने करेक्टर फ्रंट के फ्रंट पोज है, सो मैंने यहाँ से सेव कर लिया, ठीक है, सेव कर लिया। अब मुझे इसको कितना एनिमेट करना है, अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से मैं इसको डीलेयर कर लूँगा। इसको लेयर कर लूँगा कि जितनी इसकी लेयरिंग करनी है मुझे। लेट सपोज अब ये एक लेयर पे है मेरे पास, मास्टर लेयर एक ही है इसकी। लेट सपोज मैं इसकी राइट लेग अलग कर देता हूँ, ये इसकी लेफ्ट लेग है बेसिकली, ठीक है, राइट लेग अलग कर देता हूँ मैं। देखो करना कर क्या रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट इन प्लेस कर रहा हूँ मैं। अगर आप कंट्रोल वी करोगे तो कहीं भी पेस्ट हो जाएगी, कंट्रोल शिफ्ट वी कर रहा हूँ मैं ताकि पेस्ट इन प्लेस हो। ओके, अगर मैं चाहूँ तो इसकी लेबलिंग भी कर सकता हूँ, कैसे, डबल क्लिक करा, लेग स्पेस एल लेफ्ट, इसको मैंने कर दिया लेग स्पेस राइट। ओके, हाइट करना शुरू कर दिया मैंने इसको, और ये इसका हैंड है, ये मैं इसको अलग कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा पॉट है, पॉट रख दिया इसका नहीं मैंने, देन इसका मैं ये वाला हैंड अलग कर लेता हूँ, ठीक है। मेरा ये हैंड जो है वो लेफ्ट है। अच्छा, ये मैंने पूरा हैंड ले लिया एक तरफ, अगर मैं इसको वो कर सकता हूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि आर्म, फोर आर्म, आर्म एफ डॉट आर्म, फोर आर्म, और ये हैंड अगर एक ही है तो अभी फिलहाल मेरे यहाँ पर नेम यूनिक हो तो बेहतर है, क्योंकि तो बहुत सारी लेयर्स हो जाती हैं जिसकी वजह से हमें आइडेंटिफाई करने में टाइम लगता है। फिर एक एक लेयर को आई ब्लिंक करके आप देखोगे कौन सी चीज़ क्या है। सेम ये वाला इसका एक हैंड है, मैंने अलग कर दिया, इसका हैंड आ रही है। ओके, एंड देन इसका फेस, फेस अलग कर दिया मैंने, फेस हो गया इसका। इसकी आइस वगैरह नहीं है फिलहाल, कोई हम आइस वाला भी एक प्रोजेक्ट कर लेंगे। ये इसकी बॉडी है, लोअर बॉडी हो गई, चाहो तो अलग कर लो, चाहो तो सेम भी रख सकते हो, मसला नहीं है। ये लोअर बॉडी हो गई, ठीक है। एंड देन जो फाइनली जो हमें लास्ट बचती है, ये हमारी बॉडी हो गई, ठीक है। इसको मैं वो कर लेता हूँ, बॉडी लेग्स जो है वो हमारी नीचे होंगी, सबसे बॉडी से नीचे होंगी, ठीक है। और हमारी जो लोअर बॉडी होगी वो भी बैक साइड, बॉडी के बैक साइड पर होगी, ठीक है। हैंड्स हमारे फ्रंट में है, ठीक है, ठीक है। फेस हमारा टॉप पे, ठीक है, सेव कर लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। ये मैंने एक करेक्टर सेव कर लिया है यहाँ पे, लेट सपोज फ्रंट का। आफ्टर इफेक्ट्स खोलता हूँ मैं, आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर मैं एक न्यू कॉम्पोजिशन ले लेता हूँ, और मैं इसको मेन कॉम्प दे देता हूँ। यार मेन कॉम्प है मेरी
प्रोजेक्ट मेरा वही होगा 1920x1080, ठीक है। 25 FPS पे हम लोग सारे काम करते हैं, तो ये आप चलो 30 भी बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमें सारी एनिमेशन 25 FPS पे ही चाहिए हमारे यहाँ। इन जनरल आप 30 पे भी काम कर सकते हो, 60 पे भी काम कर सकते हो, वॉट एवर, लेकिन यहाँ इस प्रोजेक्ट के लिए आपको 25, क्योंकि हमारी बाकी वीडियो 25 पर होगी, तो ये हमें 25 FPS पे ही काम करना है। ओके, लेट्स सपोज कि हमारा एक छोटा सा वो आ गया, मुझे एक फाइल इंपोर्ट करनी है अपनी, डबल क्लिक करता हूँ, टी में जाता हूँ मैं, करेक्टर एनिमेशन में जाता हूँ, वॉक साइकिल में जाता हूँ, ए में जाता हूँ, ए के एसेट में जाता हूँ, करेक्टर वाले पोज को मैं इंपोर्ट करता हूँ, बट ये फुटेज मुझे इंपोर्ट नहीं करनी, फुटेज करूँगा तो सारी फाइल्स मर्ज हो जाएगी और एक ही इमेज आ जाएगी। कॉम्पोजिशन करूँगा तो कॉम्पोजिशन में पूरा साइज ले लेगा, हर लेयर का पूरा साइज लेगा, हर लेयर को पूरा आर्टवर्क लेगा। मुझे करना है रिटेन लेयर साइज, हर लेयर साइज को रिटेन करे, ठीक है। ओके, लोगों की एक जगह बना दे। ओके, अब मैं यहाँ पर करेक्टर के पोज को ड्रैग करके अपने आर्टवर्क को उतार देता हूँ। ये मेरा एक करेक्टर है, मैं एक लेट सपोज मैं एक सॉलिड बैकग्राउंड लगा लेता हूँ, कोई भी कलर का, इसके ऑल्टरनेट कलर का मैं एक बैकग्राउंड लगा लेता हूँ। बहुत ज़्यादा वो कलर का थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। लेट सपोज मैंने एक बैकग्राउंड लगा लिया, लॉक कर दिया फिलहाल मैंने इसको, ताकि बैकग्राउंड मूव ना हो, ठीक है। अब मुझे इसमें इसको एनिमेट करना है। अब लेट सपोज कि ये सिर्फ एक स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा हुआ है, जैसे कि कोई सीन आया जिसके अंदर कोई करेक्टर सामने से खड़ा हुआ है, डेड ना लगे। तो सबसे पहले मैं इसकी रिगिंग करता हूँ। एंकर पॉइंट्स वाई से सेट होते हैं, वाई को प्रेस करके रखूँगा और मैं इसके एंकर पॉइंट्स इसके सेट कर दूँगा। ऐसे हैंड का यहाँ होना चाहिए, फेस का यहाँ होना चाहिए, बॉडी का यहाँ होना चाहिए, ठीक है। लोअर बॉडी का भी सही है, लेग्स का होना चाहिए तो लेग्स का यहाँ होना चाहिए, ठीक है। राइट लेग का यहाँ होना चाहिए, ठीक है। जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे हैंड का यहाँ होना चाहिए हम सेट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, मैं इसकी रिगिंग करूँगा। रिगिंग हमारे यहाँ 2D में पेरेंटिंग को ही कहते हैं। मैं इसकी फेस कनेक्ट होता है बॉडी से, कि बॉडी मूव हो तो फेस भी मूव हो, ठीक है। सेम हैंड्स दोनों कनेक्ट होंगे बॉडी से, बॉडी मूव होगी तो हैंड भी मूव होंगे, ठीक है। लेग्स हम बॉडी से क्यों नहीं करेंगे कि जब हमारी बॉडी मूव होगी तो मैं लेग्स भी मूव होंगे, लेग्स के ऊपर बॉडी मूव होगी उसकी। और फेस हमारा बॉडी से कनेक्ट हुआ होता है। ये पॉट जो है, ये पॉट बेसिकली हैंड से कनेक्ट होगा, क्योंकि जब ये हैंड हिलेगा तो ये पॉट हैंड पर रखा तो हैंड से कनेक्ट होगा। ये कौन सा वाले हैंड से कनेक्ट होगा, लेफ्ट वाले हैंड से कनेक्ट होगा, ठीक है। इसका मैं एंकर पॉइंट चाहूँ तो मैं एनिमेट करने के लिए यहाँ भी सेट कर सकता हूँ, मतलब नहीं कि पॉट हल्का फुल्का अगर हिलता हुआ भी दिखे तो यहाँ हिल जाए। ओके, अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ रोटेशन की से, बिल्कुल सही रिग हुआ है। सेम मैं यहाँ पर जाके हैंड को वो करके देख लेता हूँ। सेम मैं हैंड लेफ्ट हैंड को रिक करके देख लेता हूँ। अच्छा, ये कुछ शॉर्टकट कीज होती हैं, ये कुछ शॉर्टकट कीज होती हैं आपकी, जो है शिफ्ट क्या कहते हैं, R फॉर रोटेशन, स्केल फॉर स्केलिंग, P फॉर पोजीशन, T फॉर ओपेसिटी, किसी भी चीज़ का जो है ओपेसिटी खोलनी हो टी फॉर ओपेसिटी, चार आपके मेन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और पूरा खोलना चाहो पैलेट तो पूरी पैलेट खुल गई है, ट्रांसफॉर्मेशन के सारे पैलेट्स खुल गए आपके, ओपेसिटी, रोटेशन, स्केल्स, पोजीशन, एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट आपकी ये वाली पोजीशन है, जो ये एंकर पॉइंट जहाँ पे लगा हुआ है ना पूरे एलिमेंट के किस हिस्से में लगा हुआ है, ये वो पोजीशन है, ठीक है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करता, मैं चाहूँ तो मैनुअली भी एनिमेट कर सकता हूँ, और मुझे अगर रैंडमली देनी है तो अगेन वही मैं जो हूँ इसके ऊपर विगल ला देता हूँ। हैंड के ऊपर मैंने विगल लगाया, ऑल्ट दबा के क्लॉक को क्लिक किया,
एक्सप्रेशन पैनल खुल गया, आ रहा है समझ में सबको? और एक मिनट, हैंड पे दबाया मैंने आर, हैंड लेफ्ट पे, हैंड राइट पे मैंने लगाया आर, सॉरी हैंड लेफ्ट पे मैंने लगाया आर, और दबा के मैंने क्लॉक पे क्लिक किया, वेगन लिखा, और वेगन लिखने के बाद मैंने इस पर एक्सप्रेशन दे दिया 1.2, ठीक है ना। खाना जब भी को लेके आ रहा होता बहुत ज़्यादा हिला नहीं रहा होता, बहुत हल्की फुल्की मूवमेंट हो रही होती है। सेम दूसरा हाथ जो है वो भी बिल्कुल रिजिड नहीं खड़ा होता, बहुत माइनर सी इसमें भी मूवमेंट होती है। वेगन लगा दिया इसमें मैंने 1.2, ठीक है। बॉडी हल्की हल्की अगर चलता हुआ आएगा तो बॉडी थोड़ी ज़्यादा मूव हो रही होगी, और खड़ा हुआ होगा तो थोड़ी सी बॉडी हल्की हल्की मूव हो रही होगी। विगल 1.2, ओके। एंड देन आ रहा समझ में, बिल्कुल रिजिड नहीं लग रही है। लास्ट इसका फेस, फेस पे मैंने विगल लगा दिया 1.4, अगर इसको एनिमेशन देखो तो ये हमें डेड नहीं लग रहा करेक्टर, समझ रहे हो? अभी करेक्टर डेड नहीं लग रहा, लग रहा है कि खड़ा हुआ है तो, लेकिन ये थोड़ा सा जो है फेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है इसका, या बॉडी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है, तो मैं इसको अगर 1.1 भी कर देता हूँ, बॉडी बहुत ज़्यादा हो रही है, एडजस्ट कर सकते हो इसको, बहुत माइनर सी बॉडी हिल रही है, समझ रहे हो? बहुत लाइट सी एनिमेशन दे सकते हो यहाँ पे, सही है। ये आपका एक ये आ गया कि फ्रंट पोज पे खड़ा हुआ है, इसको चलाना चाहो तो चल के भी आ सकता है, लेकिन इसके पैर बहुत अजीब लगेंगे चलते हुए आने में, चला सकते हो। फ्रंट की वॉक साइकिल देखनी होती है खाली, बता सकता हूँ वो भी चल के आ सकता है, मसला नहीं है, लेकिन ये करेक्टर मौजूद नहीं है चलने के लिए, इसे लगेगा पैर जमीन पे मार रहा है, पाँव सीधे है बिल्कुल, ये स्टैंडिंग पोजीशन है बेसिकली।